बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जान रैंबो और आप देख रहे हैं जान रैंबो यूट्यूब चैनल। मैं बैठा हुआ हूं अपने किचन में और मैं बनाने लगा हूं आज बोंग पाए। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीक़ों से लोग बनाते हैं और बड़े बड़े अच्छे बनाते हैं। और हाथ का जो टेस्ट है ना, हर बंदे का अपना होता है। एक ही तरीके से अगर 5 लोग खाना बनाएंगे ना, तो उसमें टेस्ट का फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि सबका अपना अपना हाथ का एक टेस्ट होता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है, वो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, वो होता है अपनी माँ के हाथ का टेस्ट, जो सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलता। क्योंकि आप जब आँख खोलते हैं तो माँ को देखते हैं, जब पहला नवाला खाते हैं तो माँ खिलाती है, जब पहला खाना कोई पका हुआ खाते हैं तो माँ के हाथ का खाते हैं। वो जो टेस्ट आपके ज़ुबान को लग चुका होता है और वो आपको सारी ज़िंदगी तक नहीं भूलता, और उसे आप हमेशा याद रखते हैं। जब भी ये जो परदेश में मेरे भाई गए होते हैं, वो बहुत मिस करते होंगे माँ के हाथ का खाना। तो परदेश तो बड़ा मुश्किल होता है जी, हमने देखा है। जिन जिन के भाई और रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं, उनकी कदर किया करें, बड़ी मेहनत करते हैं। आप समझते हैं कि वो बाहर हैं, बड़ी अयाशियाँ कर रहे होंगे, वो आपको अयाशी कराते हैं, और ख़ुद सही तरह खाना खाते हैं ना, सही तरह सो सकते हैं, वो सब कुछ आपके लिए कर रहे होते हैं। तो आप उनका बहुत ख्याल रखा करें और उनके कमाई का बड़ा एहसास किया करें, बचा के रखा करें, ताकि जब वो आएँ तो उनके पास आगे इतना हो पैसा कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजारें। खैर, बात ज़रा दूसरी तरफ चली गई थी। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। बोंग पाए बनाने के लिए, ये देखें जी, मैं पाए लेके आए हैं। ये 2 पाए हैं, आए सुबहान अल्लाह, बच्चे दे पाए या बच्ची के पाए। ये देखें, आपको पता लग जाएगा, ये उसका खुर इतना छोटा है। हाय हाय हाय, बच्ची नहीं होंगी जिड़ी, छोटी जवान बच्चा, ये देख रहे हैं ना, ये इसके पाए से पता चल जाएगा। वैसे एक पाया बहुत होता है, पर मैंने कहा कि एक पाया तो इतना सा था और इतना सा उसका खुर था, तो 2 पाए मैंने बनवाए हैं जी। ये धुले हुए हैं माशाल्लाह, ये सुखा लिए हैं, धोगा के मैंने। और ये है जी साथ में बीफ है जी, उसी का जी, बच्चे का। ज़्यादा देखें, आपको लग नहीं रहा, वो जो बड़ा जानवर होता है उसका ज़रा ज़्यादा लाल होता है, ये ज़रा वाइट वाइट है। अगर आप इसको छोटा छोटा करके काटें तो ये जैसे ये देखें लगेगा आपको बकरे का गोश्त है। बहुत सारे लोग बकरे के गोश्त में ये भी मिक्स करके बेच देते हैं, एहतियात कीजिएगा, देखते रहिए। अच्छा जी, ये बोंग है जी और ये 2 पाए हैं। अब हम इसको बनाएंगे। एक बड़ा आसान तरीका है जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से देखा था, ट्राई तो मैं कभी कभी करता हूँ, मैं रोज़ कुकिंग नहीं करता। जब भी कभी मैं कोई कुकिंग करने लगता हूँ 6 महीने, 7 महीने, 1.5 महीने बाद, तो वो मैं वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आप भी कहते हैं जी कि आपकी कुकिंग की वीडियो नहीं आ रही। अच्छा जी, बड़ी हल्की आँच जला लेनी है, दम वाले चावलों वाली, बहुत हल्की सी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी बोंग पाए की रेसिपी। हमने पायों को नीचे रखना है जी, ये हड्डियों वाली साइड नीचे रखी, ये ज़रा गर्म हो गया तो उसमें आ रहा है। ये दिखाइए जी, ऐसे रख रहे हैं हम। हाँ, आग ज़रा पहले से जल रही थी, अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये गोश्त के टुकड़े, बोंग। लाइए जी, पानी दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी इसमें इतना डालना है, पानी इतना डालना है कि ये जो गोश्त है, बोटियाँ या ये पाए, ये सारे इसमें डूब जाएं। अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल गया तो कोई ये सब हो गया। अच्छा, ज़्यादा भी डल जाए तो आपने घबराना नहीं है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, आपने घबराना इसलिए नहीं है, इसने सारी रात पकना है, और जो सुबह मज़ा आएगा ना इसको खाने का, सारी रात पकने से और कुकर में पकाने से, गलाने से टेस्ट और होता है। और जो पहले जब कुकर नहीं थे तभी तो टेस्ट हुआ करता था ना बुज़ुर्गों का, समझा करें सियाने की बातें जो है ना। अच्छा जी, इसको पकाना है। ये 1/2 चम्मच काली मिर्च है, ये बड़ी इलायची है 5 अदद, और ये थोड़ी सी दारचीनी है 2-3 टुकड़े, ठीक है जी। ये जी, या अल्लाह खैर, 2 चम्मच फ़िलहाल
नमक, एक उबाल देना है इसको। अब हम आंच को थोड़ा तेज करेंगे और इसको ढकना दे देंगे। बंद कर दूं? ये हो गया। अब जरा उबाल आ जाए फिर मैं आपसे, मेरा मतलब है कि फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उबाल आ गए जोश है। हाँ ओए, मेरी आंख लग गई सी। अच्छा जी, इसको जोश आ गया होगा जी, देखते हैं। लो जी, इसको पहला जोश आ गया जी। जैसे वो हमारा गाना नहीं बड़ा हिट हुआ था, पहला सलाम करा झिंक 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 झिंक, इसी तरह इसको आ गया है पहला जोश। अच्छा जी, पहला जोश आने के बाद आपने इतनी सी आंच पे ना आपने इसको दोबारा बंद कर देना है, और अब इंशाल्लाह ताला सुबह मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पोजीशन क्या है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं। यस, 12 बज गए हैं, और 6 बजे या 7 बजे इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। और इसी आंच पे इसको आपने ये 3 मसाले डाल के, 1 नमक डाल के, 4 मसाले हो गए, 4 मसाले डाल के बोंग और गोश्त को रखना है। और पहला जोश आने के बाद इस हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख के आपने सो जाना है, और इसको पकने देना है कि मज़े मज़े से बुड़ 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 करके पकेगा। आपने खराटे लेके सोना है। सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह 6-7 घंटे के बाद। तब तक के लिए आप भी आराम करें, मैं भी जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जिंदगी। सुबह हो गई, आप भी फ्रेश हो गए होंगे, मैं भी काफ़ी फ्रेश हो गया हूँ, सो गया था। अच्छा जी, रात मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, मैंने आपको बताया था। और मैंने क्या किया है कि 4 बजे मैं उठ के, इसको 4 घंटे हो गए थे, 4 बजे के बाद मैंने एक काम ये किया था कि आके मैंने इसे देखा, और ये जो बोंग है, बोंग मैंने निकाल ली थी, क्योंकि बोंग फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगी। ये देखें, ये माशाल्लाह गल गई है, ये इसको मैंने निकाल के, और मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। सुबह उठ के जी मैंने फिर इसको 2 घंटे हल्की आंच पे फिर पकाया है, क्योंकि पायों को ज़रा टाइम लगता है, बोटी ज़रा जल्दी गल जाती है। बिस्मिल्लाह, ओहो हो, ये देखें जी, अब हम चेक करते हैं कि पायों की पोजीशन। सुबहानअल्लाह, पाए आपको दिखाता हूँ जी। इनको हमने 2 घंटे ज़्यादा दिया, 4 घंटे बाहों को। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल गल गए, ये ठीक हो गया। अब मैं एक काम करूँगा, बाहों को मैं वापस इसमें अब डाल दूँगा। अगर ये बाहों और 2 घंटे होती तो ये बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाती। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इस वक्त यखनी बन चुकी है। हाय हाय हाय, यखनी पाए ये भी इसको कह सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हमें चाहिए जी 2 दरमियानी प्याज, 2 लहसुन की, और 1 इतना सा अदरक का टुकड़ा। प्याज मैंने काट लिया है और अदरक के पीस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और ये हमारा लहसुन है जी। अब एक काम और करना है, एक काम और ये करना है कि प्याज को हमने ले लेना है आधा अलग कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस प्याज को अब मैंने करना है लाइट ब्राउन। अच्छा जी, आग जला ली हमने, और इसमें हम डालेंगे जी अब 1 प्याली आप तेल डालें, तेल डालने आप घी डालना चाहें घी डालें। तो मेरे पास जो है कुकिंग ऑयल है, ये डाल दिया मैंने इसमें। अब इसे होने देते हैं थोड़ा गर्म। ये देखें जी, हो गया जी, बड़ा लाइट सा ब्राउन करना है, इसको काला नहीं करना, जलाना नहीं हमने। ये मैंने निकाल लिया जी ब्राउन प्याज, ब्राउन प्याज निकल आया। अब हमने ये करना है कि इस प्याज को भी हमने रखना है यहाँ, ये जो कच्ची प्याज थी, ठीक हो गया। अदरक भी हमने ले ली,
लहसुन भी हमने ले लिया। इनको अभी मैं ग्राइंडर में डाल के तो एक पेस्ट सा बना के लाता हूँ। आप यहीं रुकिएगा, जाइएगा कहीं मत। ये देखें जी, ये पेस्ट बना लिया जी हमने। अब इसको हम इसी तेल में जो बचा हुआ था जिसमें से हमने प्याज निकाली थी इसी में डालेंगे जी। इसी में इस मसाले पे मेहनत होगी, असल में जो मेहनत है वो इस मसाले पे। इसको ज़रा दरमियानी आंच पे जी। अब टाइम आ गया है, तो 2 मिनट हो गए हैं जी। 2 मिनट तक हमने इस मसाले को जो भून लिया है, अब हम डालेंगे इसमें मसाले। वक्त हुआ चाहता है मसालों का। आइए देखते हैं कि अब हमने इसमें क्या क्या डालना है जी। बिस्मिल्लाह। पहले हमने नमक डाल लिया था, 1 चम्मच छोटा चम्मच चाय का 1 नमक और डाल लिया, पिंक नमक देख लिया आपने। और ये 1 छोटी चम्मच हल्दी की हमने डाली इसमें, हसबे जायका हसबे ज़रूरत, जितनी आप मिर्च खाते हैं उतनी डाल लें। मैंने ये छोटी 3 डाली है, यही वाली चाय वाली। अब हम इसको थोड़ी देर और भुनेंगे। इसकी बुनाई तकरीबन हमने करनी है जी 5 से 6 मिनट तक, मसाला जलने भी ना पाए। साथ साथ आपने पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहना है और चमचे को हिलाता रहना है। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। जब भी वो खाना बनाऊँ मुझे ये गाना याद आता है। अब जब ये घी छोड़ेगा तो तब हम इसकी जान छोड़ेंगे। जब तक ये घी नहीं छोड़ेगा तो हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह जायका डाल दे जी इसमें, माशाल्लाह अच्छा नज़र आ रहा है, मसाले की खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसमें 2 मसाले अभी और जाएंगे, देखें कोई इतना ज़्यादा मसाला भी नहीं है। और ये वो तरीका है जो ट्रेडिशनल हमारा पुराना तरीका, फिर बाद में आए बुनाई करके भी कर लो, ये करके भी वो कर लो। और पाए वही होते हैं ये जो बाज़ार में आपको मज़ा आता है ना खाने का, बाज़ारी पाए, इसलिए कि वो सारी रात पकते हैं, कुकर में डाल के नहीं घंटे में बना लिया। टेस्ट ही तब आता है जब चीज़ पके। चीज़ को गलाने से तो बात नहीं बनती, गलाना नहीं है पकाना है। ले जी देखें जी, घी आना शुरू हुआ है। अब इसको रंगत देने के लिए हम एक छोटा सा काम और करेंगे जी। अब हम इसमें डालेंगे जी 1 छोटा चम्मच रंगत के लिए, ये ज़्यादा ना हो जाए, यस पेपरिका जी। बिस्मिल्लाह जी, नीचे नहीं लगने देना इसको। और इतनी देर में हम आपको दिखाएंगे ये हल्की आंच पे, वही अपना माहौल उन्होंने बनाया हुआ, क्या ज़बरदस्त यखनी है इसमें माशाल्लाह। और जो रात पानी डाला था वही है, देखें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कैसा है वो देखें, तरी उस पर हल्की हल्की। इसमें हम शामिल करेंगे अब ये बिस्मिल्लाह। इसको हमने हिलाना शुरू करना है आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब एक काम रह गया है, पहले तो हम इसको एक उबाला देना है, इसको उबाल देना है, दोबारा दिलाना है। उसके बाद एक छोटा सा काम है, हमारे ओम पाए तैयार। बॉयल आने के बाद हमने एक काम इसमें ये करना है कि 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है। ये है जी इरफान, इरफान है तेरा, ये इरफान है जी। और ये बड़े ज़बरदस्त खाने बना रहा है। एहसन खान और जैन खान को बहुत इसके खाने पसंद आ गए हैं। मैंने कैसा बनाया सही बताना, पक्की बात है, है? मेहनत है ना इसमें। अब ये इसे पता चला, इसे मैं कहता था कि मुझे खाना भी आता है बनाना, ये देख लो। और जो बनाने वाले को खिलाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन घर में सबसे मुश्किल जो है ना, मैं अपनी माँ के लिए बड़ा मुश्किल था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे,
खाने में मैं बड़ा ही तंग करता था, ज़रा सा भी फ़र्क आ जाए ना खाना ही नहीं खाना, अम्मी ने बैठ जाना, परेशान हो जाना कि भाई अब ये नहीं खा रहा मैं क्या करूँगा। ये एक बात आ गया जी, इस वक्त जो घर में हमें तंग करता है ना वो है एहसन खान, जो ज़ैन खान है ना वो बड़ा पाला बच्चा है मेरा, उसको जो मर्ज़ी दे दो, उसे को क्या खाना है जो मर्ज़ी दे दो, क्या पका हुआ है ये पका हुआ है हाँ यही दे दो, उसने कभी नहीं कहा ये नहीं ये नहीं। वो जो एहसन खान साहब है वो कहते हैं नहीं जी, उनकी मखसूस डिशें हैं जी। एक चम्मच अल्लाह के फजल व करम से ये भी गया जी, ये बिस्मिल्लाह जी। इससे मैंने देना 2 मिनट का दम ताकि गर्म मसाले की खुशबू बोंग और पाँव में रच बस जाए, ताकि जब हम रोटी खोल के मुंह में रखें तो उनके सुबहान अल्लाह दिमाग तक खुशबू जाए मसालों की। गर्म मसाला तो फिर अपना एक माहौल रखता है। अच्छा जी ये हो गए जी 2 मिनट, अब इसको हम कर देते हैं बंद अल्लाह का नाम लेके। अब इंशाल्लाह ताला मेहनत तो की है, अल्लाह इसका फल भी देगा, ये लोगों को पसंद आ जाए। आए मैं आपको दिखाता हूँ ताज़ा धनिया कैसे तोड़ रहा है जी, ताज़ा तोड़ के लाए आप, ये देखें जी, ये देखें फ्रेश धनिया, ओहो हो सुभान अल्लाह। ये काटो मैं आपको दिखाऊँ हमारा, ये देखें जी ये धनिया की लेन चल रही है जी, ठीक है, ये पालक की लेन चल रही है, और ये टमाटर हैं, टमाटर लग रहे हैं, और धनिया इधर भी है, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये मैंने आपको ब्रोकली दिखाई थी, ये उसके 2 पौधे हमने बीच में छोड़ दिए थे, ये फूल आ गए हैं, इनमें बीज बनेगा। अच्छा जी टमाटर लगने शुरू हो गए हैं। हाँ जी घर में बनाए जी, साफ सुथरा खाएं, बड़ा आसान तरीका है, इस तरह का भी बना के देखें आपको मज़ा आ जाएगा, बड़े ही मज़े के बनते हैं और बड़े सॉफ्ट। अभी जुमे की तैयारी भी होनी है तो नाश्ता वाश्ता होना है, फिर जुमे की तैयारी होनी है इंशाल्लाह, और फिर जनाब आप देखिएगा खाते हुए, शायद मैं कोशिश करूँगा कि एहसन साहब अगर एक शॉट दे दें, मूडी बंदे हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ अभी डिश आउट कर, ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। कोई आटा नहीं डाला हमने इसमें, कोई चीज़ नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। अच्छा जी हम ये निकालते हैं एक पाया, और हल्का सा इस पे हमने ज़रा माहौल बनाना है। तो ये रही जी बॉम पाए की डिश, तो मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ और आपको भी बताता हूँ कि कैसा है जी। बिस्मिल्लाह मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, आप बना के खाएं आपको मज़ा आएगा, उंगलियां जुड़ रही हैं, माहौल बना भाई वाह बहुत अच्छे, बनाएं खुद भी खाएं, अपने दोस्तों को और फैमिली और बच्चों को भी खिलाएं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अदाब रखा।